दोपहर के बज रहे हैं 3 और ऋषित को हम जा रहे हैं स्कूल पिक करने के लिए। ब्लॉग अभी से स्टार्ट किए हैं और बाहर का वेदर देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक वेदर है। धूप बहुत अच्छा है बट बहुत ज्यादा ठंड है, मतलब -2 है बहुत दिनों के बाद, लेकिन धूप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो चलिए बाहर बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको, और ब्लॉग अभी से स्टार्ट हुआ है। ब्लॉग हमारे किसी भी रीजन पे अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चले, तो चलिए इसी ऋषित के स्कूल पहुंचने वाले हैं और उसको पिक कर लेते हैं। बहुत मजा आ रहा है, लेकिन धूप अच्छे है लेकिन ठंड है। आज ठंड लग रहा है क्योंकि हवा जो चल रहा है ना बहुत ठंड वाला है। धूप में कड़ापन है लेकिन हवा बहुत ठंड है, तो थोड़ा सा ठंड तो लग रहा है। सुबह में -2 था जब उठे थे, सुबह सुबह बहुत ठंड था जब ऋषित को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, लेकिन अभी बाहर हवा चलता है तब ठंड लग रहा है, बाकी ऐसे ठीक है। चलिए उसके स्कूल पहुंच गए, उसको पिक करते हैं, फिर घर की तरफ फिर रवाना होते हैं। मजा आ गया वॉक करके ठंडा और धूप में। तो चलिए स्कूल से आ गए हैं और टाइम हुआ है आपका 4 o'clock हो गया है, और आते ही सबसे पहले ऋषित को खाना दे दिया है और यहाँ पे चढ़ा दिए हैं दाल, और यहाँ पे कट रहा है हमारा भिंडी रात के लिए, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी कुकिंग कर रहे हैं अभी, क्योंकि शाम में जाना है ऋषित को लेके उसका फेवरेट प्लेस मेला। हाँ मेला लगा है यहाँ पे, तो उसको मेला दिखाने के लिए ले जाएंगे। इस ईयर का फर्स्ट मेला भी लगा है, तो सोचे क्यों ना दिखा दे, क्योंकि अब 1 दिन, हाँ 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, तो आज अच्छा मौसम भी है ना, और 2 दिन के बाद फिर बारिश है, कल भी था बारिश है और परसों भी दिखा रहा है, तो आज वेदर अच्छा है तो सोचिए आज ही दिखा देते हैं। तो चलिए फटाफट कुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये 6:30 में फ्री होंगे, उसके बाद जाएंगे, तो आराम से 9 बजे तक फिर आना होगा, फिर खाना बनाएंगे। इसे अच्छा खाना बना के जाते हैं और आएंगे तब खाएंगे। तो चलिए फटाफट थोड़ा मैंगो लस्सी भी बनाना है यहाँ पे, ये देख रहे हो निकाल के रखते हैं, यहाँ पे मैंगो लस्सी बनाते हैं और आलू भिंडी का भुजिया दाल, और रात में आएंगे तो राइस बनाएंगे। और यहाँ पे भिंडी चढ़ा दिए हैं और आलू कट रहा है, तो भिंडी आलू मिक्स करके भुजिया बनाएंगे, दाल बन गया और इधर दाल को फ्राई कर। तो चलिए यहाँ पे भुजिया हो रहा है, इधर दाल हो रहा है, और ये देखिए हाथ में पूरा तेल छिटक के लग गया। ये बना रहे थे नमकीन, बना रहे थे इसमें नमकीन डाले और जोर से डला गया, पूरा इसमें तेल आ गया, देखो बहुत अच्छा हुआ, तुरंत बर्फ निकाल के रगड़ रहे, नहीं तो लहर तो रहा है लेकिन अभी तो वो थैंक गॉड वो जो होता है बबल तो वो नहीं हुआ है। तो चलिए निकल चुके हैं, धूप देख रहे हैं, धूप महाराज 6:30 एकदम झाजी नीचे आए, एकदम 6:30 झाजी चमक रहे हैं ना धूप में, ऐसे झाजी ये चमक रहे हैं। हाँ ये देखो ना एकदम सूर्य भगवान आप पे मेहरबान। तो चलिए निकल चुके हैं, पहले जाते हैं थोड़ा सा ना इंडियन शॉप में, इंडियन शॉप जाएंगे वहाँ पे थोड़ा सा ना ऋषित के लिए मैगी वगैरह खत्म है, मैगी वगैरह लेना है, थोड़ा सा वो चिप्स लेगा, तो ये सारा सामान लेंगे। सब्जी बहुत मंगा ली है तो सब्जी तो नहीं लेना है, लेकिन जो ऑनलाइन नहीं मिला था उसको जाके लेना है, और उसके बाद जाएंगे मेला। अरे एक्साइटेड मेला तो हम हाथ जला के जल्दी जल्दी सारा कुकिंग किया, आप लोग तो देख ही रहे हैं कितना हाथ जल गया था, और बात करें नहीं। चलिए जाजी पहुंच गए, पहुंच गए, चलिए मेला दिखाइए अब खटाखट खटाखट। ये देखिए पीछे बहुत मन था जाने का, ये देखो पीछे मेला। झाजी बोला ना ऋषित ही मस्त चलाता है, बहुत मारा बहुत मारा। हाँ अब ऋषित को पहले ना डर लगता था, लेकिन आप क्योंकि कोई कोकर मारता था तो उसको डर लगता था। जाना जाइएगा, ये देखिए जाओगे
ये क्यों है? मेरा फेवरेट राइड आ गया। दीदी को देख सकते हैं, घूम घूम आया एकदम। हाँ, ज्यादा भीड़ नहीं है ना, खूब घुमाया इसको। चलो आगे। आप ना गए किसी पे? हो गया। मेरा वाला झूला मस्त है भाई, हफ्ते हफ्ते पेट फूल जाता है। लेकिन तो हमने खूब जो है मेला में एंजॉय किया। किधर जा रहे थे? मेरा खूब मजा किया। आपको डायरेक्शन का ज्ञान नहीं रहता भाई, आप कहीं और जा रहे थे, मेरा बेटा सही जा रहा था। पार्किंग जा रहा है लड़का, पार्किंग इधर की जा रहे हैं उस साइड। देखिए हमको हंस रही है, इसको भी आइडिया रहता है डायरेक्शन का। अच्छा डायरेक्शन हम लोग तो चलिए मजा आ गया। 3-4 राइड में जो मेरा फेवरेट है भाई, उसमें सब हम अपने चले जाते हैं। ऋषि सब में गया, झूला वाला में वो 90 इसका नहीं था, 90 बेचारा करके आया था, इस बार 90 नहीं लगा है। सिमुलेशन रहता है ना। हाँ। कि बस चलाइए, कभी एरोप्लेन चलाइए, वो वाला इस बार नहीं, इस बार नहीं था। सोच के आया था कि जाएगा, तो वो लगता है समर वाला में आएगा तो जाएगा अपना। चलिए घर चलते, तो चलिए घर चलते हैं, भूख भी लगा है हमको कस के। ऋषि तो पिज्जा ले लिया है अपना, एक पिज्जा खा रहा है, ये बोले हम पिज्जा नहीं खाएंगे, घर जाके खाना खाएंगे। तो चलिए अब घर चलते हैं, और इंडियन स्टोर भी सामान पहले ही ले लिए थे। चलिए आ गए हम, दोनों लड़ाई करना बंद करो, दोनों जब से आए लड़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो चलिए आ गए हैं, सामान वहाँ है, उसको बाद में करेंगे पहले। हाँ, कौन सा नाम की ये देख रहे हैं, बना के गए थे ना, उस समय तो गर्म था तो नहीं खाए, समझे। ये लीजिए पहले पकड़िए, ये नहीं है इसके बाद वाला, ये देखो, ये देखो इनका, बस थोड़ा ही लिए हैं, मस्त बना है। उस समय नमक टेस्ट करना भूल गए थे, लेकिन अभी नमक टेस्ट की एकदम परफेक्ट है, खस्ता जबरदस्त है। इसको पैकेट में रख देते हैं, और यहाँ पे आते ही राइस चढ़ा दिए हैं। तो चलिए खाना लगाते हैं, और इंडियन स्टोर से क्या लेके आए पता है, वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे सारा यहाँ पे मेन मैगी होगी, बहुत खत्म मैगी, घर में एक बूंद भी नहीं था, एक पैकेट भी नहीं था, तो मैगी लेके आए हैं। और ये वाला मैगी मेरा फेवरेट है, पता नहीं क्यों, ये इसका जो इसमें जो मसाला रहता है ना, उसका टेस्ट हमको पसंद है। बाकी यहाँ पे सब आया है आपका, किचन किंग मसाला, पाव भाजी, ये सब आया है। हाँ बेटा, और आज गए ना, आज दुकान वाले क्या बोले, तुम्हारा फेवरेट आ गया। मेरा फेवरेट क्या दिखाते हैं, टंडरा मोती चूर के लड्डू, जो खाए वो पछताए। मेरा बेटा ना मेरे लिए ना
काजू कतली नहीं लिया कि मम्मा को ये खाना है ये लिए, ये मेरा फेवरेट है मोती चूर का लड्डू, जो खाए वो पछताए जो ना खाए वो भी पछताए और पछताए ना। झाजी के मुंह में पानी आ रहा है, आपको ना मिलेगा, ना खोलेंगे मेरा है। और बाकी यही झाजी का सामान चूड़ा और ये भी खत्म था, ये गुलाब जामुन खत्म था। और बताते हैं, ये देखिए एक एक दो जितना था वहां सब ले लिए, तीन चार, अब नहीं आएगा हाथ में, एक उधर है, पांच पीस ये लेके आए हैं कटहल का, क्योंकि इधर से मेरा बैकअप जो कटहल का था ना वो खत्म हो गया था। मेरा बेटा भी समझदार था, वहां गया ना तो कटहल ले रहा था, पापा बोले कटहल नहीं लेना है बेटा, मम्मा आएगी तो, मम्मा आके कटहल ले रही है, क्योंकि पता है कि मेरे बेटा को बैकअप घर में खत्म है। तो यहाँ पे कटहल लेके आए हैं, पांच गो पैकेट लेके आए हैं, क्योंकि ये भाई मेरा बिहार का फेमस कटहल, इसका सब्जी तो बनता ही बनता है। बाकी एक मस्टर्ड ऑयल लेके आए हैं, जिसका खाना उपलब्ध होगा, खाना खाना कहाँ से मिलेगा, देखो ना वहाँ पे बैठ के ना थोड़ा सा लगा लीजिए ना, खाना बना हुआ है, देखिए देखिए मेरे सजन, घर की देवी, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हाँ होम मिनिस्टर, हाँ प्राइम तो ठीक है, वो फाइनेंस वाला नहीं ठीक लगा, फाइनेंस वाला थोड़ा ठीक नहीं लगा, वो फाइनेंस हटा दीजिए, हाँ हो गया। बस यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लेके आए, क्योंकि हमारे घर में क्या होता है जी, मस्टर्ड ऑयल में ही हीरोइन हो, हीरोइन तो हम रे, हीरोइन क्या बात, तो चलिए इसको रखते हैं, बस इतना ही सामान लेके आए हैं, बस हमको दिखाना था आपको मोती चूर का लड्डू, मेरा फेवरेट, लेकिन अभी खोलेंगे नहीं रात में, अभी चावल दाल के साथ मोती चूर का लड्डू कौन खाता है। खाना बन चुका है, देख रहे हैं, अब लेने के लिए भी एक आदमी आया, ये भी काम मेरा ही है, हम बना के गए थे इसीलिए मेला देखने के लिए। चलो खाना देते हैं, बाय तो बोलो जी, चलो वीर तुम बढ़े, चलो हम लोग खाएंगे, गए तो हीरोइन हो गया तो हीरोइन, हाँ सुन हीरोइन, हम तुमसे बहुत लव करता है। ओके यही है, एक नंबर गाना गाया है। चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को हम लोग खत्म करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सफ़र, चलिए बाय बाय।